शहर में एलपीजी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एलपीजी माफिया की मस्नूई किल्लत के बायस मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 180 से 200 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। कीमतें बढ़ने से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। राना फाहद रिपोर्ट करेंगे। कम प्रेशर ने मुतबादल ईंधन एलपीजी की मांग बढ़ा दी। कीमतों में इजाफे पर मुनाफा खोर भी मैदान में आ गए। एलपीजी माफिया ने कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 180 से 200 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। एलपीजी की मसनूई किल्लत और कीमतों में इजाफे से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान। कहते हैं कीमत बढ़ने से बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया। गवर्नमेंट वहाँ से चीखे मार रहे जी 113 रुपये 113 रुपये और मार्केट में वो सप्लाई 160 रुपये दे रहे, तो मेरा ख्याल है ये तो सबने चीखने और सबने पीटने। सस्ती आएगी तो वो सस्ती बेचेंगे, जिनके गैस ही महंगी पीछे से आ रही बेचारा रोजी पूरी करेगा या यहाँ पे अपने लोगों को फ्री में गैस देगा, वो कहाँ जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि एलपीजी ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं कर रही, मगर छोटे दुकानदारों की पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़।